उर्दू का नहीं, मैं हिंदी और उर्दू मिक्स सुनाऊंगी। स्वागत है। और विषय चेंज कर रही हूँ, मैं लघु कथा सुनाऊंगी। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी है वो जो उन्होंने बोली ना पुरुष। हाँ, मैं अपनी कहानी की शुरुआत बशीर बद्र जी के शेर के साथ करूंगी। मोहब्बत में खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। ये मेरी कहानी है, कहानी का नाम है बशीरा। बशीरा अपनी चूड़ियों से भरी पोटली आंगन में रखकर बैठ चुका था। उसी के साथ कितनी ही जोड़ी गोरी कलाइयां उसके आगे चूड़ियां पहनने को बेताब हो उठी। चूड़ियां पहनाने के साथ उसकी शायरी शुरू हो जाती। उसे बड़े बड़े शायरों की शायरी मुंह जबानी याद थी। एक कलाई उसने थामी और शुरू हो गया। गैर लय महफिल में बोसे जाम के, हम रहे यूं तिश्ना लब पैगाम के, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह वाह क्या बात है। अरे रुको, अभी शहजादी का शेर तो सुनाया ही नहीं। हम सब जानते थे वह परवीन शाकिर का दीवाना है। अक्स एक खुशबू बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समझे कोई, काम उठती हूँ मैं सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। वाह वाह एक और सुनो। कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था, कल फूल भी निखरे थे, कल उनमें आपका अक्स भी था, कल बादल गहरे काले थे, कल चांद पे लाखों पहरे थे, कल टुकड़े आपकी यादों के बड़ी देर से दिल में ठहरे थे, कल यादें उलझी थी और कल तक यह ना सुलझी थी, कल याद बहुत तुम आए थे। हम वाह वाह करते रहे, मैं हाथ में सुर्ख चूड़ी लिए किसी की यादों में खो गया। सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। ये भी शहजादी का शेर है बशीरा? नहीं, किसी और का है, पर याद नहीं आ रहा। काश उस समय मोबाइल होता, एक सेकंड में पता चल जाता कि ये शेर किसका है। पर अच्छा हुआ नहीं था, नहीं तो हम खत वाली और छत वाली मोहब्बत कहाँ जान पाते। इस बार बशीरा के साथ उसकी बेटी भी आई थी। जब बशीरा दूसरे लड़के को चूड़ी पहनाने में लगा था, उसने धीरे से एक मोड़ा हुआ खत मुझे पकड़ा दिया और हजार कसमें देकर कहा, ये पान वाले राजू को दे देना, उस काने को, हमारी मोहब्बत है वो, उसने इतरा कर कहा, और देखना खत अबू के हाथ ना आए। राजू को खत देने से पहले हमसे रहा ना गया और मैंने और सुमन ने एक कोने में बैठकर खत पढ़ा। अंगूठी का नग नगीना कहलाता है, जो प्यार करके छोड़ दे वो कमीना कहलाता है। तुझे मेरी पाक मोहब्बत की कसम राजू, जुम्मे के दिन बड़े चौक में तेरा इंतजार करूंगी, ना आया तो मेरी मैयत में आना, शीशी भरे गुलाब की पत्थर से तोड़ दूंगी, जो तू मुझे ना मिले तो जीना ही छोड़। बशीरा की जुबान से इतनी आला दर्जे की शायरी सुनने वाले हमारे काम का शर्म से बंद हो गए। डर के मारे हमने वो खत पड़ोस के लड़के को दे दिया कि तुझे अल्लाह की कसम राजू को देना, पर न जाने कैसे वो खत बशीरा के हाथ लगा। रेहाना के साथ क्या हुआ नहीं पता, पर कुछ दिनों बाद उसका निकाह हो गया और वो दूसरे शहर चली गई। कुछ साल बाद हम सब की भी शादी हो गई। धीरे धीरे सब बातें यादों में बदल गई। बरसों बाद जब मैं मायके गई तो मैंने देखा पोटली के साथ अपनी झुकी कमर का बोझ उठाए हुए बशीरा आ रहा है। उसके बैठते ही मैंने अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। धुंधली होती हुई आंखों से उसने मुझे देखा और बोला, अरे बिटिया तुम? हाँ बशीरा, हो जाए एक शेर। शेर? सदियां गुजर गई बिटिया, भूल गया, मैं भी नहीं रही ना। कौन? 2 मिनट में चुप रहा और फिर बोला, परवीन शाकिर। मैं माँ से सुन चुकी थी कि बशीरा की बेटी का एक सर्द सुबह इंतकाल हो गया था। आज मैं सुनाऊं तुम्हें एक शेर? बिना बोले उसने मुझे देखा। नहीं शेर नहीं, वो गीत सुना दो, तुम गाया करती थी ना, भजन जैसा कुछ। मैंने आंखें बंद की और सुर साधा, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। गीत पूरा हुआ, तारीफ के 2 शब्द सुनने के लिए मैंने बशीरा की तरफ देखा। झुकी कमर और टूटे हुए कदमों से मैं जा रहा था, कुछ अल्फाज बुदबुदाता हुआ। न छेड़ किस्सा ये मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी है, मैं जमाने से नहीं हारा किसी की बात मानी।